हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स दे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें पेपर को लिखना कैसे है सेकेंड हम बात करेंगे कि आप कितना बड़ा आंसर लिखें ताकि आपको उसमें पूरे नंबर मिले जैसे दो नंबर का आंसर है अगर मतलब तो दो तो नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आप उसमें कितनी लाइन लिखें ताकि उसमें आपको पूरे दो नंबर मिले या तीन नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप कितना बड़ा आंसर लिखें ताकि आपको पूरे तीन नंबर मिले तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेरे पेपर को लिखना कैसे है ताकि एग्जामिनर को आंसर ढूंढने में भी मुश्किल ना हो और वो आपको पूरे नंबर दे तो पहली बात है पेपर में अच्छी राइटिंग लिखे ये तो हर किसी को पता होगा पेपर में आपको अच्छी राइटिंग लिखनी है ताकि बिल्कुल साफ साफ एग्जामिनर को आपका आंसर नजर आए वर्ड टू वर्ड वो समझे ठीक है सेकेंड बात हर आंसर लिखने के बाद आप दो लाइन जरूर छोड़ें जैसे मान लिया आपने आंसर नंबर फर्स्ट आपने लिखा उसका पार्ट है ए बी सी डी देन आप अगर आंसर नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप ऊपर दो लाइन छोड़ दें उसके बाद आप आंसर नंबर सेकंड स्टार्ट करें फिर दो लाइन छोड़ें आंसर नंबर सेकंड स्टार्ट सॉरी uh, थर्ड स्टार्ट करें देन फोर्थ ऐसे आपको दो लाइन हर आंसर लिखने के बाद छोड़ना आएगा ठीक है थर्ड तो हम क्या करेंगे पेपर को सीक्वेंस वाइज अटैम्प्ट करना है यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा आपने फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ देन लाइन से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है ऐसे नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर दिया और उसके बाद फोर्थ नहीं करा आपने फिफ्थ स्टार्ट कर दिया और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एकदम लास्ट में आपने अटैम्प्ट करा अपना कोशिश कीजिएगा कि आप पेपर को सीक्वेंस वाइज अटैम्प्ट करें एकदम क्वेश्चन टू क्वेश्चन ओके मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है बीच में तो आप उस वहाँ पर आंसर डाल दीजिए मान लीजिए आपको आंसर नंबर फोर्थ नहीं आ रहा है ऊपर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया है तो नंबर के हिसाब से वो क्वेश्चन जितने नंबर का है उस नंबर के हिसाब से आप लाइन छोड़ दीजिए वहाँ पर और आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए दी, कर दीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देन सिक्सथ इससे क्या होता है जो एग्ज़ामिनर होता है ना उसको जो आंसर ढूंढने में मुश्किल नहीं होती है वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देखता है और चेक करते जाते हैं अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में मुश्किल होती है, तो जो एग्ज़ामिनर है वो फ्रस्टेट हो जाता है और फिर वो आपके नंबर थोड़े काट लेता हैगा तो कोशिश कीजिएगा कि लाइन टू लाइन आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ओके उसके बाद सबसे ज़रूरी बात किसी भी क्वेश्चन को आपको खाली नहीं छोड़ना है ठीक है आपको सारे आंसर अटैम्प्ट करने हैं ठीक सारे आंसर आपको करने हैं और ख़ास कर तो जो आपके बुक के चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं ना उसे तो बिल्कुल मत छोड़िएगा मान लीजिए अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में आ रहा हो उसे आप लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने चैप्टर ये पढ़ाएगा इसको आता आएगा तो एक भी आंसर आपको खाली नहीं छोड़ना है चैप्टर से जो भी आएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी याद आए आप उसमें लिख दीजिए अब हम बात करेंगे कि नंबर के हिसाब से आपको आंसर कैसे लिखना आएगा मान लीजिए अगर दो नंबर वाले क्वेश्चन है तो आपको कम से कम उसमें पाँच लाइन का आंसर लिखना है ठीक है पाँच लाइन तो ज़रूर लिखनी है अगर दो नंबर के क्वेश्चन है तो और थर्ड तीन नंबर के अगर क्वेश्चन है तो उसमें आपको जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें आप हाफ पेज फुल एकदम हाफ पेज आप लिख दीजिएगा ठीक है और पांच नंबर वाले में आपको जो आपकी आंसर शीट है उसमें आपको फुल पेज लिखना है अगर आप इस तरीके से अपना इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे तो पक्का आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर मिलेंगे क्योंकि टॉपर्स जो है वो अपने जो आंसर शीट है वो इसी तरीके से लिखते आएंगे आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंग्लिश का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी